हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है आधा ग्लास के लगभग पानी। ओनली सिर्फ हाफ ग्लास आपको यहाँ पे लेना है। एक आयरन की वेसल लेनी है, यानी कि लोहे की कढ़ाई लेनी है, और आधा ग्लास पानी लेना है, और इसमें आपको सिर्फ 1 स्पून डालना है आंवला पाउडर। अब आप सोचेंगे पानी लिया है और उसके बाद आंवला पाउडर सिर्फ 1 चम्मच, तो पानी को थोड़ा सा हम गर्म करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आंवला पाउडर को इसमें ऐड करना है। सो इतना सिंपल सा मैं आपको रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप सोच लोगे अरे ये तो सिर्फ सिंपल सी आंवले की एक मतलब पानी है, उसके बाद इसमें आंवले को डाल दिया, इसको तो मतलब ये क्या वर्क करेगा। सो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये क्या वर्क करेगा या फिर ये तो सिंपल सा तरीका है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, आपको गलत फहमी है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आंवला जो होता है इसमें सिर्फ विटामिन सी ही नहीं होते हैं, इसको बालों के लिए यानी आंवले को बालों के लिए वरदान माना जाता है। इसमें विटामिन सी के अलावा फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, केराटीन, विटामिन बी, फाइबर और ऐसे कई तत्व मौजूद होते हैं जिन्हें बालों के लिए वरदान माना जाता है। इस पेस्ट को आपको इस तरीके से बना लेना है, बॉयल करना है अच्छे से, एंड इसको लगाने का जो प्रोसेस है सिंपल है, लेकिन इसको ड्यूरेशन टाइम लॉन्ग है, यानी कि आपको लगाने के बाद 1 या 1.5 घंटे में वॉश नहीं करना है। इसे आपको लगभग 3 घंटे के लिए बालों में रखना पड़ेगा, एंड अच्छे से बॉइलिंग आ जाए, इस पेस्ट की क्वांटिटी कम हो जाए, तब आपको यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद करना है, एंड इसके बाद ही आपको इसे रात भर के लिए छोड़ के रखना है। सो गाइस, आपको फिर से मैं यहाँ बता दूँ कि आधा ग्लास आपको पानी लेना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना है। 1 चम्मच फुल आपको आंवला पाउडर यहाँ पे मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, लम्ब्स वगैरह ना रहे, उसके बाद अच्छे से बॉइलिंग करनी है। क्वांटिटी इसकी कम हो जाए, यानी कि ये जो पानी हमने आधा ग्लास डाला है वो और ज़्यादा कम हो जाए, तब आपको यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और रात भर के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से पानी में आंवला पाउडर मिक्स हो जाए। एंड जैसे लोग कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में तो वैसे ही काले हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी ये सोचने वाली बात है कि भाई लोहे की कढ़ाई है तो उसमें कालापन तो आ ही जाएगा, क्योंकि आयरन होता है पूरा से, और जो आंवला होता है उसमें भी आयरन होते हैं, विटामिन सी होता है, तो इन दोनों का जो मेल होता है यानी मिक्सचर जब एक साथ मिलते हैं तो ये बालों के लिए ज़्यादा अच्छा से काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंवले का आपके साथ एक आंवले की डाई शेयर कर रही हूँ, आंवले का पैक शेयर कर रही हूँ, एक ऐसा पैक जो कि 2 दिन के अंदर आपके सफ़ेद प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को ब्लैक करना शुरू कर देगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। सो आपको इस तरीके से मिक्स करते हुए चलाना है। देखिए क्वांटिटी एकदम आपको कम करनी है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये क्वांटिटी कम होगी। और इसके अलावा आंवले में फाइटो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और खनिज पदार्थ होते हैं जो आपके मतलब बालों को प्रोटेक्ट करते हैं सनलाइट से, एंड डैमेज होने से बचाते हैं, धूल मिट्टी से, प्रदूषण से आपके बालों को ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा आंवले में मौजूद विटामिन सी प्रोटीन बढ़ाने का काम करता है, ये कोलेजन बालों की डेड सेल्स को हटाने और न्यू सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। यानी सिर्फ आंवले की अगर हम बात करें, एक आंवला एक अकेला ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को काला करने के लिए, आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए, मजबूत करने के लिए काम आता है, एंड यहाँ तक कि आंवले का इस्तेमाल आपके गंजेपन के लिए भी किया जाता है। यानी कि अगर आपके बाल जगह जगह से झड़ गए हैं और बाल वहाँ वापस नहीं आ रहे, तो आप इस पैक को अपने बालों के साथ साथ अपने स्कैल्प पे भी लगाइए, एंड इसके बाद लगा करके उसे 3 घंटे के लिए आपको यहाँ पर छोड़ना है। ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 3 घंटे मैक्सिमम है कि आपको 3 घंटे के लिए यहाँ पे छोड़ना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और ये क्वांटिटी हमारी कम हो गई है। सो मैं यहाँ पे इस तरह के लिड से इसको कवर कर दूंगी ताकि इसमें कोई भी एयर पास ना हो, पूरी तरह से ये ढका होना चाहिए, कोई भी बबल्स नहीं बनने चाहिए और ना ही एयर पास होनी चाहिए। सो इस तरीके से मैं इसे ढक करके यहाँ पे छोड़ दूंगी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम इसे देखेंगे कि हमारा ये जो पैक है वो बालों के लिए अप्लाई हो गया है या नहीं। तो चलिए इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे ही ढक करके। सो गाइज, नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे लिड को हटा रही हूँ, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कलर एकदम
पूरी तरह से चेंज हो गया है और क्वांटिटी इसकी इतनी ही है। थोड़ी सी ये थिकनेस भी इसमें आ गई है क्योंकि रात भर हमने इसे छोड़ा हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, एक अच्छे से कॉम से, मतलब कॉम के सहारे, कॉम की हेल्प से, कंघी से आप अपने बालों को अच्छे से झाड़ लीजिए ताकि बाल टूटे ना, उलझे ना लगाते टाइम। एंड इसको अपने हाथों से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हाथों से लगाएंगे तो हाथ काले हो जाएंगे और नेल्स में लग जाते हैं तो जल्दी वो छूटते नहीं है। सो यहाँ पर आप ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, किसी टूथब्रश से लगा सकते हैं या फिर जो नॉर्मल हेयर ब्रश आते हैं मेहंदी या डाई लगाने वाले, आप उससे लगा सकते हैं। सो उससे लगाइए। अब और जिनको गंजेपन की समस्या है वो स्कैल्प में भी लगाइए, अपने हेयर में लगाइए। 3 घंटे के लिए इसको रख के छोड़ दीजिए, उसके बाद प्लेन वाटर से आपको इसे वॉश कर लेना है। एंड तुरंत आपको शैम्पू नहीं करना है, आपको नेक्स्ट डे करना है। अगर हो सके तो आप 2 दिन बाद शैम्पू करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आंवले को अगर आपने तुरंत शैम्पू किया तो ये निकल जाते हैं। सो रंग इसका, ब्लैकनेस जो है वो चढ़ेगी नहीं बालों पर, इसलिए यहाँ पर मैं 2 दिन बोल रही हूँ। अगर भाई बहुत जल्दी आप बिना शैम्पू का नहीं रह सकते तो आप नेक्स्ट डे शैम्पू, नहीं तो अदरवाइज आप 2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो और ज्यादा बेनिफिट आपको बालों में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं यहाँ पे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।